स्टूडेंट्स, टुडे वी विल हैव आवर थर्ड लेसन द स्टोरेज. ठीक है, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सीपीयू. सीपीयू के फंक्शंस क्या क्या है, सीपीयू के पार्ट्स क्या क्या है. ठीक है, लाइक कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू हमने देखे, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. सो टुडे वी विल हैव द स्टोरेज एंड पार्ट्स ऑफ द स्टोरेज. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरेज. Storage of data, programs and information in one of the most important functions of a computer. A computer can store large amount of data in its memory. This data could be text, pictures or even sound. You can use this stored data whenever you want. There are two kinds of storage areas in a computer, that is primary memory and secondary memory. This can be clearly understood from the following illustrations. यस, तो इसमें बता रहा है कि स्टोरेज ऑफ डेटा, जैसे कि प्रोग्राम डेटा यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है, एंड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, मतलब फंक्शंस की ऑफ द कंप्यूटर की वजह से ये जो है चीज़ें वर्क करती हैं. तो अ कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स मेमोरी. अपनी मेमोरी में कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करके रख सकता है. ठीक है, दिस डेटा कुड बी टेक्स्ट, पिक्चर, इवन साउंड. टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, साउंड्स हो सकते हैं, वीडियोज़ हो सकते हैं. कैन यूज दिस स्टोर डेटा वेन एवर यू वॉन्ट. और आप इस डेटा को जहाँ भी स्टोर करना चाहते हो आप स्टोर कर सकते हो. दैट इज़ द स्टोरेज. देर आर टू काइंड ऑफ स्टोरेज एरियाज, प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी. सो लेट्स सी द इलस्ट्रेशन, डाइग्राम देखेंगे. स्टोरेज, स्टोरेज के टू पार्ट्स है. देर आर टू पार्ट्स, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, तो इन द प्राइमरी मेमोरी देर आर टू पार्ट्स, रैम एंड रोम. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. एंड देन सेकेंड वन इज द सेकेंडरी मेमोरी. इट हैज़ फोर पार्ट्स एंड मैनी मोर, हो सकता है और भी. हार्ड डिस्क, सी डी दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, डी वी डी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और यू एस बी फ्लैश ड्राइव. ये जो थे फोर हमारे सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट्स थे. नाउ कम टू द फर्स्ट वन, प्राइमरी मेमोरी. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव ओनली प्राइमरी मेमोरी टुडे, एंड देन नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल हैव द सेकेंडरी मेमोरी. आई विल एक्सप्लेन यू द सेकेंडरी मेमोरी इन डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज अ मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी. देर आर टू काइंड ऑफ प्राइमरी मेमोरीज, दैट इज रैम एंड रोम. We have seen the illustration part के उसमें हमने already देखे कि primary memory के दो parts है. First one is the RAM, second one is the ROM. As you can see the image, RAM कुछ इस तरह से नज़र आती है और ROM कुछ इस तरह से नज़र आती है. प्राइमरी मेमोरी जो है होती है वो मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी कह सकते हैं. जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में होती है RAM, 1 GB RAM, 2 GB RAM, तो वैसे ही कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी भी होती है RAM और ROM. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ RAM. RAM स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. RAM इज़ अ टेम्पररी मेमोरी. टेम्पररी मेमोरी है मतलब कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए जो है डेटा स्टोर करके सकती है. डेटा, प्रोग्राम्स और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन RAM इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स. इलेक्ट्रॉनिक पल्स के फॉर्म में जो है डेटा स्टोर होता है. ठीक है, अब जैसे हम लोग अगर कभी एल्बम्स वगैरह हमारी मेमोरी को स्टोर करके रखना होता है तो हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स, एल्बम्स होती है, एल्बम्स में फ़ोटोज़ डाल के रखते हैं. तो वो क्या हो गई, हार्ड कॉपी. हम कॉपीज़ के ज़रिए, कॉपीज़ के फॉर्म में जो है हम लोग अपनी मेमोरी स्टोर कर रहे हैं. लेकिन कंप्यूटर अपनी रैम कैसे स्टोर करता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, पल्सेस का यूज़ करके जो है डेटा स्टोर करके रखता है. एंड एनीथिंग स्टोर्स इन रैम विल रिमेन देयर स्टोर्ड ओनली एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक पावर इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर. रैम के अंदर जो भी डेटा फीड होता है, जो भी हम टाइप करते हैं, थोड़ी वक्त के लिए रैम में जो है फीड होता है. इलेक्ट्रिक पावर यानी कि हमारा पावर सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी का पावर सप्लाई है, अगर वो चालू है, कंप्यूटर ऑन है, तो हमारा डेटा रहेगा. लेकिन इफ़ बाय चांस
if there is an interruption in a power supply or if you accidentally switch off the computer, you will lose all the data stored in RAM. You cannot retrieve the lost data even if the power supply is restored or you switch on the computer again. Hence RAM is a temporary memory. Yes, एक्सीडेंटली या फिर बाई चांस आप ऑफ कर देते हैं अपना कंप्यूटर तो क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगी रैम का सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा और वो वापस आप रीड्राइव भी नहीं कर सकते, यानी कि वापस उसे आप ला भी नहीं सकते. सो इसलिए रैम के डेटा को पहले आपको सेव करना होता है, देन आप पावर सप्लाई ऑफ करो तो बेटर है. इन रैम इंफॉर्मेशन स्टोर्ड यूजिंग बिट्स यानी कि बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 का यूज़ करके जो है रैम की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है वो 0-1 की होती है, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज जो है ह्यूमन लैंग्वेज नहीं कंडक्ट कर पाता, क्योंकि इन द होल द वर्ल्ड पूरी दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. एवरीवन हैज़ देयर ओन लैंग्वेजेस, सो उनकी लैंग्वेज जो है कंप्यूटर नहीं समझ सकता. एक ही कंप्यूटर है, सब सेम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, बट लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, तो कंप्यूटर सारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता. दैट्स वाई कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है. बाइनरी डिजिट्स में 0 और 1 की लैंग्वेज है कंप्यूटर की. वो क्या करता है, जो भी हम टाइप करते हैं उसे कन्वर्ट करता है अपनी लैंग्वेज में, फिर अपनी लैंग्वेज से हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम लोग को स्क्रीन पर शो करता है. ये उसका प्रोसेस है, बाइनरी डिजिट्स का यूज़ इस तरह से होता है. दस अ बिट कैन कंटेन ओनली 2 डिजिट्स. कंप्यूटर की बिट्स जो है सिर्फ 2 डिजिट्स कंडक्ट करती है, 0 और 1. दिस मेथड ऑफ यूजिंग ओनली 2 डिजिट्स इट्स कॉल्ड बाइनरी सिस्टम. अ नंबर और अ लेटर यू एंटर यूजिंग द कीबोर्ड स्टोर्ड इन द रैम यूजिंग 8 बिट्स, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इट्स कॉल्ड द बाइट. यस, जैसे कि आप अपने मोबाइल में GB यूज़ करते हैं, 1 GB, 2 GB, तो वो कैसे बनता है, 8 बिट्स जो है इज इक्वल्स टू 1 बाइट. देन 1024 बाइट इज इक्वल्स टू 1 KB. KB मतलब किलोबाइट्स. फिर 1024 KBs को मिला के जो बनता है 1 GB क्रिएट होता है. तो ऐसे जो है पूरी साइकिल चलती है. और कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स में कंप्यूटर से जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करते हो कंप्यूटर के अंदर, वो बिट्स की तरह आपके कंप्यूटर में सेव होता है. यानी कि 0 और 1 ये नंबर का यूज़ करके, सपोज़ मैंने लेटर ए टाइप करी, तो कंप्यूटर लैंग्वेज में उसका क्या होगा, लेटर ए इज इक्वल्स टू 0 1 1 0 0 1. ये कंप्यूटर लैंग्वेज में ए को अगर हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज में यानी कि बाइनरी डिजिट्स में, तो ये होगा 0 1 1 0 0 1. तो इस तरह से कंप्यूटर जो है लैंग्वेजेस को ट्रांसफॉर्म करता है अपनी लैंग्वेज में और हमें प्रॉपर रिजल्ट शो करता है. अब आते हैं रोम पे. रीड ओनली मेमोरी, एज द नेम सजेस्ट, जैसा उसका नाम है वैसे ही उसका काम है. रोम जो है स्टोर प्रोग्राम्स, रैम टेक्स्ट इमेजेस और जो है वीडियोस और साउंड्स को स्टोर करता है. रोम जो है वो प्रोग्राम्स को स्टोर करता है विच टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क. फॉर एग्जाम्पल, वेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, इट इज़ रोम that sends the necessary instructions to the CPU to get going. As the name suggests, programs in ROM can only be read. The instructions cannot be changed and they will not be lost even if there is an interruption in a power supply or the computer is accidentally switched off. बिल्कुल, RAM में जो है programs stores होते हैं, जो programs आपकी computer को इन्फॉर्मेशन यानी कि मैसेजेस सेंड करते हैं कि अब आपको क्या काम करना है, इंस्ट्रक्शंस देते हैं अब आपको कैसे काम करना है और कौन सा काम करना है. तो दैट्स वाई अगर आपका कंप्यूटर एक्सीडेंटली स्विच ऑफ भी हो जाता है या फिर पावर सप्लाई नहीं मिल पाता, प्रॉब्लम हो जाती है कंप्यूटर में, तो भी जो है प्रोग्राम्स लॉस्ट नहीं होते. तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो है मदरबोर्ड है जिसके अंदर रैम और रोम जो है पहले से बिल्ट होती है, पहले से ऑलरेडी इसमें होती है. जैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ किस तरह से ये जो प्रॉपर हिस्सा, ये आपको जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये क्या है, आपकी रोम है. बहुत स्मॉल सी चिप होती है, 1 या 2 होती है आपके मदरबोर्ड पे, जो आपको फैसिलिटी देती है प्रोग्राम्स को स्टोर करने की फैसिलिटी देती है और कंप्यूटर को
प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस पर वर्क करने की फैसिलिटी देती है। अब रैम कहाँ पर लगती है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो एरिया है, ये जो सरफेस एरिया आप देख रहे हो, ये वाला, दिस इज़ एरिया फॉर रैम। यहाँ पर जो है रैम स्टोर की जाती है, यहाँ इस जगह पर रैम का, ये जो जगह है, ये वाली जो जगह है, यहाँ पर रैम्स लगा सकती है। और अब कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 रैम्स अपने कंप्यूटर में लगा सकते हो। और ये जो है आपका सीपीयू है, मेन जो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, छोटी सी चिप, ये दिख रही है आपको, ये जो है ये आपकी चिप है, सीपीयू चिप, जिसकी वजह से कंप्यूटर वर्क कर रहा है। यही चीज़ मुझे बतानी थी। सो स्टूडेंट्स, सिंस वी हैव लर्न अस इन स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी देख लिए, और ये मेमोरी कंप्यूटर में, कंप्यूटर के कौन से पार्ट्स में बिल्ट होती है वो भी देख लिए। तो इन आर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू हैव सेकेंडरी मेमोरी, जिसके अंदर आपको हार्ड डिस्क मिलेगा, CD, DVD और USB ड्राइव हम लोग पढ़ने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।